हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब सारे अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी मनीषा और आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने टेरेस गार्डन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेमन ग्रास है और इसका प्लांटर टूट गया था, तो अब मैं इसको चेंज करा रही हूँ यहाँ पर। तो इसे जो लेमन ग्रास है, अगर आपने ये नहीं लगाई हुई अपने गार्डन में तो इसको आप ज़रूर लगाएं। जैसे चाय वगैरह हम बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है इसकी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं चाय में और काफ़ी अच्छा फ्लेवर चाय का आ जाता है। तो अगर आपके गार्डन में लेमन ग्रास नहीं है तो आप उसको ज़रूर लगवाएं और इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और ये लाभकारी काफ़ी होती है। तो यहाँ पर ये मैंने प्लांटर चेंज करा दिया है और जितने भी आज मेरे पौधे हैं तो उसमें आज कुछ पौधों की रिपोर्टिंग करनी है और साथ ही साथ जो मेरे गार्डन में बेकार हैं प्लांटर उनको मैंने डिस्कार्ड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डीप क्लीनिंग तो कर ही ली है यहाँ पर और ओम भी मेरे साथ यहाँ पर जो है काम कर रहा है। तो कुछ इस तरह से मेरा गार्डन का लुक है और काफ़ी कलरफुल मैंने अपने गार्डन को बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास कोकोनट के प्लांटर थे वो जो बेकार हो गए थे उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और जो है जिस प्लांटर को आज मैंने रिपोर्टिंग करनी है उसकी रिपोर्टिंग का काम भी मैं आज साथ के साथ हम लोग निपटा देंगे। यहाँ पर आप बेबी स्नेक प्लांट देख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। एक जो कर्ड का कंटेनर होता है उसको पर मैंने कलर किया था, उसमें इन दोनों प्लांट्स को लगाऊंगी। और यहाँ पर कुछ जो काफ़ी बड़ा प्लांटर था ये उसको मैंने छोटा कर दिया है और इसको क्योंकि इसका प्लांटर जो था वो टूट गया था तो इसको हम छोटे प्लांटर में लगा रहे हैं। और यहाँ पर मिट्टी वगैरह हमने जो मिट्टी में कोकोपीट मिलाई है, जो कोकोपीट होती है वो काफ़ी मतलब लाइट वेट कर देती है जो हमारा प्लांटर होता है उसका। तो अगर आप भी गार्डनिंग वगैरह की करने की सोच रहे हैं तो अपनी जो मिट्टी तैयार करें आप उसमें कोकोपीट ज़रूर मिलाएं। उससे क्या होता है मिट्टी काफ़ी हल्की हो जाती है और जो हमें मतलब प्लांटर जो होता है हमारा उसको उठाने में भी वो मतलब ईजीली हम लोग उठा पाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे जो दो प्लांट्स हैं वो रेडी हो गए हैं, इनको मैं इनडोर यूज़ करूँगी डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पर ये भी सुंदर सा छोटे से प्लांटर में बनकर हो गया है तैयार। जितने भी प्लांटर हैं उनमें काफी सारे पौधे हो गए हैं छोटे छोटे से और इनको आज अलग कर देंगे क्योंकि काफी सारे अगर हमारे प्लांट्स होते हैं एक ही प्लांटर में तो वो मतलब पौधे को किसी को भी पनपने नहीं देते हैं। तो इसीलिए हम सारे ये जो प्लांट्स हैं वो निकाल रहे हैं और इसमें केवल एक ही हम प्लांट्स लगाएंगे किसी भी चीज़ का ही। तो इस तरह से हमने सारा जो ये खाली करने के बाद इस तरह से इसको हमने गुड़ाई टाइप की कर देनी है इसकी और यहाँ पर लगा दिया है हमने करी पत्ता और जो सारे इसके प्लांट्स थे वो हटा दिए हैं और यहाँ पर इसमें केवल एक सिंगल ही प्लांट लगाना है हमने। इससे क्या होगा ये अच्छे से ग्रो करेगा और जैसे कि आप जानते हैं करी पत्ता जो कि काफ़ी यूज़ में आता है तो इसीलिए इसको हमने बड़े कंटेनर में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी की आज होगी केयर और जो एक प्लांट में एक प्लांटर में दो दो प्लांट्स आ गए हैं उनको भी हम हटा देंगे। तो यहाँ पर ये इस छोटे से गमले में दो थे तो इसको भी हटा दिया है और साथ साथ इसकी कटाई छटाई का काम भी चल रहा है। जो मेरा टेरेस गार्डन है वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही उसकी जो है ध्यान रखते हैं और हमने जो माली वगैरह कोई भी नहीं लगाया हुआ है प्रॉपर तरीके से, हम लोग दोनों इसको मिलकर इसका काम कर लेते हैं जो भी हमें करना होता है। जैसे रिपोर्टिंग हो गई या इसकी गुड़ाई हो गई, इस तरह का जो भी काम होता है हम मिलकर कर लेते हैं दोनों। तो यहाँ पर आप देख सकती हो कि पौधे में जिसमें मिट्टी की कमी थी उसमें हमने मिट्टी भी डाल दी है और जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इस तरह के दिया जो होते हैं वो भी मैंने अपने जो गार्डन में यूज़ किए हैं। और उसको आप भी अगर दिवाली के दिए आपके पड़े हैं घर पर तो उनको आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में भी और इनका रीयूज़ भी हो जाता है।
अगर फ्रेंड्स आप भी गार्डन की शुरुआत करना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। जैसे कि अब सर्दी आ चुकी है तो आप भी थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग कर सकते हैं, थोड़े प्लांटर लगा सकते हैं जिससे आप गार्डनिंग भी की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी कटिंग हो गई है तैयार, यहाँ पर जो निकाली हैं, और गार्डन में कुछ पानी देने के बाद इस तरह से लग रहा है काफ़ी अच्छा सा गार्डन हो गया है। पहले क्योंकि ज़्यादा घने घने पौधे सभी निकाल दिए हैं, जो एक एक में दो दो तीन तीन थे वो सब निकाल दिए हैं। और यहाँ जो मेरा इंडोर गार्डन है उसमें इस तरह के स्टैंड है, तो इनको मैं ऊपर ले जा रही हूँ और इसके साथ एक मेकओवर करूँगी, वो जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहें, आपको अच्छे अच्छे डेकोरेशन के वीडियो और गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो सभी मिलते रहेंगे। तो ये स्टैंड मैंने दोनों यहाँ पर रख दिए हैं, और इस पर जो मैंने हाथ के बनाए हुए प्लांटर हैं मेरे, जिन पर मैंने कलर किया है, वो सारे मैं इस पर रखूँगी ताकि वो गंदे भी ना हो नीचे से, और वो हल्के भी हैं वेट में, क्योंकि इनकी जो मिट्टी मैंने तैयार की थी वो मैंने कोकोपीट मिक्स करके और बड़ी हल्की मिट्टी इनकी तैयार की थी, तो ये लाइट वेट काफ़ी हैं, तो इनको मैं इन्हीं स्टैंड पर रखूँगी। अगेन यहाँ पर हमने एक जो प्लांटर है उसकी रिपोर्टिंग की है, और उसकी जो मिट्टी है उसको प्रॉपर तरीके से हमने सारा निकालने के बाद और तब इसमें एक दूसरा प्लांट लगाया है हमने। और इसमें भी आप देख सकते हैं एक बेबी प्लांट निकल रहा है और काफ़ी क्यूट लग रहा है ये। तो इस तरह से आज जितना भी हमारे गार्डन का काम था वो हमने कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स ये जो मैंने टेरेस गार्डन तैयार किया है ये मैंने बिल्कुल लो बजट मेरा जो गार्डन है तैयार किया है। इसमें मैंने प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ किए हैं और कोकोनट जो शेल होती है उसको मैंने पेंट करने के बाद यहाँ पर यूज़ किया है, और यहाँ पर आप ये डस्टबिन देख सकते हैं उस पर मैंने कलर करके बनाया है। तो काफ़ी लो बजट में मैंने अपना ये गार्डन तैयार किया है। अगर आप भी चाहते हैं अपने गार्डन को तैयार करना तो आप भी थोड़े थोड़े एफर्ट से अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होगी और थोड़ी सी लगन की ज़रूरत होगी, और आपका गार्डन भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक स्पाइडर का प्लांट हमने लगा दिया है, और स्पाइडर के प्लांट काफ़ी सारे मैंने लगाए हुए हैं, और आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मैं अपने टेरेस गार्डन का मेकओवर। तो मेरे जो चैनल पर आप बने रहें। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपना गार्डन बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें, और आप जो मेरी गार्डन की प्लेलिस्ट है आप उसको चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएंगे और आप इजीली जो है अपना गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता है, और मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूला करें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस तरह के बढ़िया बढ़िया गार्डनिंग से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।